हाँ मनीषा कुमारी ये आ गई, अनुष्का गौतम ये भी आ गई, निकिता चौधरी, साक्षी यादव, लता, सृष्टि गोयल, अपेक्षा। अभी स्टार्ट करेंगे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स के बारे में और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स देख लेते हैं। और मैम कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे? बेटा यूनिट फर्स्ट में देखना क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमोसोम्स को पढ़ा दिया था, अब स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र है, तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स और पॉलीटिन क्रोमोसोम्स देखो, एक पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। मिल गया ना बेटा? तो अपन स्टार्ट करते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। लैम्प ब्रश मैम, हाँ मैम थोड़ा स्लो पढ़ाना। ठीक है बेटा, आप और बोल देना, बिल्कुल स्लो पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, किसके बारे में बात करेंगे? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स के बारे में। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, लैम्प ब्रश गुणसूत्र, तो इन गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। 10 वर्ष पश्चात सन 1892 में रूकर्ट नामक वैज्ञानिक ने शार्क के अंड कोशिका में इन लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स का वर्णन किया था। मतलब कहने का मतलब है बेटा, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की खोज सबसे पहले फ्लेमिंग ने की थी और उसके 10 वर्ष पश्चात रूकर्ट नामक वैज्ञानिक ने शार्क के अंड कोशिका में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स का वर्णन किया था। तो यह लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स मुख्य रूप से कशेरुकी जीव जैसे पक्षियों, मछलियों, रेंगने वाले जंतुओं, एम्फीबियंस व इकाइनोडर्म्स आदि जंतुओं की ऊसाइट कोशिकाओं व कुछ अकशेरुकियों में पाए जाते हैं। इनकी संरचना का विस्तृत अध्ययन एम्फीबियंस की ऊसाइट्स कोशिकाओं में अर्धसूत्रन की डिप्लोडी प्रावस्था के दौरान किया गया है तथा लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स का अध्ययन ड्रोसोफिला की स्पर्मेटोसाइट्स में भी किया गया है। तो कहने का मतलब है बेटा, जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? पक्षियों में पाए जाते हैं, फिशेस में पाए जाते हैं, रेंगने वाले जंतुओं में, एम्फीबियंस में पाए जाते हैं व इकाइनोडर्म्स आदि जंतुओं की ऊसाइट्स कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स का अध्ययन एम्फीबियंस की ऊसाइट कोशिकाओं में अर्धसूत्रन मियोसिस की डिप्लोडीन स्टेज के दौरान किया गया है। तो कोशिका विभाजन के समय लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की संरचना में परिवर्तन व आकार में बहुत अधिक वृद्धि होती है, इनका लाक्षणिक गुण है। तो यूरिडेलीज गण के एम्फीबियंस में इनका लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स का अधिकतम आकार 1000 माइक्रोमीटर तक पहुंच जाता है। इस प्रकार के लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिनमें आरएनए का संश्लेषण बहुत अधिक होता है तथा कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है।
मतलब लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स उन सेल्स में पाए जाते हैं जिन सेल्स में आरएनए का सिंथेसिस अधिक होता है तथा साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियोप्लाज्म का आयतन भी बढ़ जाता है। तो आप ये क्या देख रहे हो, लैंप ब्रश गुणसूत्र का डायग्राम देख रहे हो। ए देखो, पार्श्वीय लूप जोड़े समेत, ये है ए है लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स का डायग्राम, और बी भी है, इसमें आप देख रहे हो पार्श्वीय लूप्स दिखाई दे रही हैं, ये अपन को पार्श्वीय लूप्स दिखाई दे रही हैं, और सी क्या है, एक लूप जोड़ा आवर्धित, एक एक्सिस है लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स में, एक अक्ष पाया जाता है, और ये क्या दिखा रहे हैं, लूप दिखा रहे हैं, लूप का मतलब जोड़े में है, एक लूप जोड़ा आवर्धित है। अब अपन बात करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो प्रत्येक लैंप ब्रश गुणसूत्र एक मुख्य अक्ष का बना होता है जिसमें दो क्रोमेटिड्स होते हैं। मुख्य अक्ष पर अधिक घनत्व वाले कण पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, इन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। ये आपस में एक अत्यंत पतले अक्षीय तंतु द्वारा जुड़े रहते हैं। इन क्रोमोमियर्स से जोड़ों में कम घनत्व वाले पार्श्वीय लूप निकलते हैं। तो ये देख रहे हो आप, क्रोमोमियर से पार्श्वीय लूप निकलते हैं। तो एक क्रोमोमियर से लगभग 1 से 9 लूप के जोड़े निकल सकते हैं। तो एक क्रोमोमियर से लगभग बेटा 1 से 9 लूप के जोड़े निकल सकते हैं। इन लूप जोड़ों की उपस्थिति के कारण ही इन्हें लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स कहते हैं। मतलब लूप की परासंरचना में एक पतली अक्ष दिखाई देती है जो कि द्विरज्जु की डीएनए स्ट्रैंड की होती है। इससे तंतु बाहर निकलते हैं जो कि आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बने लूप मैट्रिक्स से ढके रहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रावस्थाओं में लूप जोड़ों का नंबर बढ़ता जाता है जबकि डिप्लोटीन प्रावस्था नहीं आ जाती है, जब तक कि डिप्लोटीन प्रावस्था नहीं आ जाती है। तो मैंने बताया कि जो मियोसिस होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, उसमें क्या होता है कि लूप जोड़ों का नंबर बेटा बढ़ता जाता है जब तक कि डिप्लोटीन स्टेज नहीं आ जाती है। अतः इस डिप्लोटीन प्रावस्था में लूप जोड़ों की संख्या अधिकतम हो जाती है। इसके बाद की अवस्थाओं में लूपों की संख्या घटती जाती है, कम होती जाती है, तथा अंत में लूप अदृश्य हो जाते हैं। लूप गुणसूत्रों के विस्तारित क्षेत्र हैं जो कि मुख्य रूप से ऊसाइट कोशिकाओं में बहुत अधिक मात्रा में मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण करते हैं जिससे भ्रूण निर्माण के समय पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण हो सके। तो अब थोड़ा इंग्लिश में बता देती हूँ आप लोगों को, व्हाट आर द लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स वर नेम्ड ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर व्हिच अपीयर्स लाइक ए ब्रश, एंड द लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फ्लेमिंग इन 1882। मतलब बेटा लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स को सबसे पहले फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था, देखा था। बट द नेम लैंप ब्रश क्रोमोसोम वॉज कॉइंड बाय रूकर्ड, लेकिन लैंप ब्रश क्रोमोसोम नाम किसने दिया था, रूकर्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था।
and these special type of joint chromosomes or lamp brush chromosomes occur in the nuclei of oocytes of vertebrates and invertebrates. तो जो मेरे lamp brush chromosomes हैं वो vertebrates व invertebrates के oocytes में पाए जाते हैं. For example, fishes, amphibians, reptiles, birds, mollusks, insects, etc. During prophase 1 substrates diploidine of first meiosis. These lamp brush chromosomes also occur in the spermatocytes of Drosophila. Lamp brush chromosomes Drosophila ke spermatocytes mein bhi paaye jaate hain. Theek hai, ab apan baat karte hain structure of lamp brush chromosomes. So these lamp brush chromosomes, जैसे दिखा रही हूँ एक स्लाइड वही वाली, these lamp brush chromosomes देखना have a central or main axis. This is the main axis which bears many lateral loops or projections due to which it appears like a brush. The main axis has four chromatids. The chromonemata of these chromatids form five loops or projections at its lateral sides. Now, अब मैं किसकी बात करती हूँ? ये तो हो गई lamp brush chromosomes की बात. अब बात करते हैं polythene chromosomes, polythene गुणसूत्र के बारे में. ठीक है, तो polythene गुणसूत्र joint polythene chromosomes को स्थूलकाय गुणसूत्र joint chromosomes भी कहते हैं, जो कि डिप्टेरॉन लार्वा, जो कि डिप्टेरॉन लार्वे की लार ग्रंथि कोशिकाओं में पाए जाते हैं. ये अन्य जंतु कोशिकाओं जैसे आंतों की एपिथेलियल कोशिकाओं, आंतों की एपिथेलियल कोशिकाओं, वसाकाय व मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आदि ने पाए जाते हैं. मतलब इसका कहने का मतलब है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को जॉइंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, और ये पॉलीटीन गुणसूत्र डिप्टेरन लार्वा की सलाइवरी ग्लैंड्स की कोशिकाओं में पाए जाते हैं. जैसे ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स बेटा मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स में भी पाए जाते हैं, वे आंतों की इंटेस्टाइन्स की एपिथेलियल कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं. तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को सर्वप्रथम सन 1881 में ईजी बाल्बियानी ने काइरोनोमस लार्वा की लार ग्रंथि कोशिकाओं में देखा. पॉलीटीन गुणसूत्र अत्यंत विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जो कि कोशिका विभाजन चक्र की अंतरावस्था इंटरफेज में दिखाई देते हैं. मतलब ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं वो इंटरफेज के समय दिखाई देते हैं, जब समसूत्री विभाजन पूर्ण हो चुका होता है. इनके मुख्य लक्षण हैं समसूत्री अथवा अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था में दिखाई देने वाले एक सामान्य गुणसूत्र की अपेक्षा इनका आकार लगभग 300 गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि लार ग्रंथियों की सोमेटिक सेल्स में ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जोड़ों पेयर के रूप में पाए जाते हैं. अतः सामान्य कायिक कोशिकाओं में इनकी संख्या की अपेक्षा ये आधी संख्या में प्रदर्शित होते हैं. अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स. सो व्हाट आर द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स? मतलब पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स.
and these polygene chromosomes were first reported in the cells of the salivary glands, gut, and trachea of dipteran insects by E.G. Balbiani. मतलब बेटा बाल्बियानी ने इन पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को किसमें रिपोर्ट किया था? इन द सेल्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, गट में और ट्रेकिया में. किसके ट्रेकिया में? ट्रेकिया ऑफ इंसेक्ट्स बिलोंग टू द डिप्टेरन ग्रुप. बट द नेम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स वाज कॉइंड बाय कॉलर फॉर दीज जाइंट क्रोमोसोम्स. So these polygene chromosomes are 100 to 200 times longer than the normal chromosomes. ये जो polygene chromosomes हैं बेटा, वो 100 से 200 गुना लंबे होते हैं normal chromosomes के comparison में. And the giant chromosomes consist of parallel bundle of chromosomal fibers. These arise by repetitive many consecutive duplications of initial chromonemata by which the DNA content increases up to 1000 times of normal DNA present in the somatic cells. अब अपन क्या देख रहे हैं बेटा? Morphology and functions. तो एक स्लाइड फिर से शेयर करती हूँ. Morphology and functions of the polygene chromosomes. ठीक है, तो संरचना एवं कार्य. तो संरचनात्मक दृष्टि से polygene गुणसूत्र द्वारा polygene chromosomes सूत्रों द्वारा निर्मित एक बंडल के रूप में दिखाई देते हैं. मतलब संरचनात्मक दृष्टि से पॉलीटीन गुणसूत्र सूत्रों द्वारा निर्मित एक बंडल के रूप में दिखाई देते हैं, जिनका निर्माण बिना कोशिका विभाजन के क्रोमेटिड सूत्र के बारंबार अतः द्विगुणन होने से होता है. प्रत्येक गुणसूत्र में क्रोमोनिमेटा की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है. प्रत्येक क्रोमोसोम में क्रोमोनिमेटा की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है. इस बढ़ोतरी में क्रोमोनिमेटा की संख्या 2000 तक अथवा इससे भी अधिक हो जाती है. इसलिए ये गुणसूत्र पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. मतलब पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बेटा प्रत्येक क्रोमोसोम में क्रोमोनिमेटा की संख्या निरंतर ही बढ़ती जाती है और क्रोमोसोम्स की संख्या 2000 तक हो जाती है या 2000 से भी अधिक क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है. इसलिए ये गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. तो इन गुणसूत्रों की परासंरचना के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनमें पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में दो प्रकार के अनुप्रस्थ एकांतरित बैंड्स होते हैं. एक तो है डार्क बैंड्स मतलब गहरे बैंड्स, हेटरोक्रोमेटिक भाग, हल्के बैंड्स लाइट इनर बैंड्स, यूक्रोमेटिक भाग पाए जाते हैं. जैसे कि ये देखो बेटा, इसका डायग्राम है. ड्रोसोफिला में पॉलीटीन गुणसूत्र का डायग्राम है ये. तो इसमें दिखाया है आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम सेकंड्स, ये है एक्स क्रोमोसोम, और आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम थर्ड ये दिखाया गया है. तो क्या बताने जा रही हूं मैं कि इन पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की परासंरचना के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनमें दो प्रकार के अनुप्रस्थ एकांतरित बैंड्स पाए जाते हैं. कौन कौन से बैंड्स हैं? गहरे बैंड्स, डार्क बैंड्स, हेटरोक्रोमेटिक भाग व हल्के बैंड्स, लाइट इनर, लाइट
इंटरबैंड्स यू क्रोमेटिक भाग पाए जाते हैं। गहरे बैंड्स वाले भाग में आरएनए की मात्रा कम होती है तथा डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो बेटा गहरे बैंड्स हैं, डार्क बैंड्स हैं, तो गहरे बैंड्स वाले भाग में आरएनए की मात्रा बेटा कम पाई जाती है तथा डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके विपरीत हल्के लाइट इंटरबैंड्स हल्के बैंड्स वाले भाग में आरएनए की अधिक मात्रा पाई जाती है तथा डीएनए बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो गहरे बैंड्स वाले क्षेत्र में डीएनए सूत्र अत्यधिक कुंडलित व संघनित होता है तथा क्रोमोमियर्स कहलाता है। और बाद में किए गए अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ कि गहरे बैंड्स डार्क बैंड्स बहुजीनी पॉलीजीनिक क्षेत्र हैं तथा ये औसतन 30,000 क्षारक जोड़ों द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि इंटरबैंड वाले भाग में डीएनए सूत्र एक दूसरे से समानांतर पैरेलल होते हैं। कुछ स्थानों पर ये इंटरबैंड्स फैलकर विशेष प्रकार की रिंग्स बनाते हैं जिन्हें पफ्स और स्वेलिंग्स अथवा बाल बियानी रिंग्स कहते हैं। तो बाल बियानी रिंग्स क्या होती है कि कुछ स्थानों पर ये हल्के इंटरबैंड्स फैलकर विशेष प्रकार की रिंग्स बनाते हैं जिन्हें पफ और स्वेलिंग्स कहते हैं और बालबियानी रिंग्स कहते हैं। ये रिंग्स बनती व नष्ट हो सकती हैं। तो पफ बनने की प्रक्रिया जीन अभिव्यक्ति से संबंधित होती है। पफ मैसेंजर आरएनए संश्लेषण के लिए स्थल होते हैं। ये गुणसूत्र के अकुंडलित भाग हैं। तो पफ कैसे हैं, स्वेलिंग्स कैसी हैं, ये क्रोमोसोम के अकुंडलित भाग हैं, जहां सक्रिय रूप से अनुलेखन की क्रिया होती रहती है। तो अपन देखते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में पॉलीटीन गुणसूत्र में 5 लंबे व 1 छोटे स्ट्रैंड्स अथवा भुजाओं से मिलकर बना होता है, जो कि एक क्रोमोसेंटर से निकलती है। वापस वही वाला डायग्राम शेयर करती हूँ। देखो बेटा, ये है ड्रोसोफिला में गुणसूत्र पॉलीटीन क्रोमोसोम का डायग्राम है। तो मैं क्या बताने जा रही हूँ कि ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स 5 लंबे व 1 छोटे स्ट्रैंड्स अथवा भुजाओं से मिलकर बना होता है, जो कि एक क्रोमोसेंटर, ये बीच में दिखाई दे रहा है, जो कि एक क्रोमोसेंटर से निकलती है। क्रोमोसेंटर का निर्माण इन गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर्स के आपस में जुड़ जाने से होता है। 5 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड एक्स गुणसूत्र को प्रदर्शित करती है। तो ये है एक्स क्रोमोसोम। क्या बताया मैंने, 5 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड एक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करती है तथा शेष 4 स्ट्रैंड्स सेकेंड व थर्ड गुणसूत्रों की भुजाओं को प्रदर्शित करती हैं। तो ये तो है आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम सेकेंड, और ये जो दिखाएं वो है आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम थर्ड। तो नर ड्रोसोफिला मक्खी में वाई गुणसूत्र भी उपस्थित होता है, जो कि क्रोमोसेंटर के साथ जुड़ जाता है तथा अलग स्ट्रैंड के रूप में दिखाई नहीं देता है।
छोटी स्ट्रैंड आकार में छोटी बिंदुनुमा होती है जो कि फोर्थ क्रोमोसोम को प्रदर्शित करती है। तो ये था क्रोमोसोम के बारे में, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स एंड लंप ब्रश क्रोमोसोम्स। अब पढ़ते हैं अपन पेरोक्सीसोम्स, जिसपे की एक शॉर्ट नोट ही आता है। तो पेरोक्सी देखो, बिल्कुल क्लियर डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। क्रोमो सेंटर है और ये किसका है, ड्रोसोफिला में पॉलीटिन गुणसूत्र का डायग्राम है। इसमें ये दिखा रहे हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम सेकंड, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये है आपका एक्स क्रोमोसोम और बीच में ये क्रोमो सेंटर से निकल रहे हैं और ये क्रोमोसोम फोर्थ है। दिस इज द क्रोमोसोम फोर्थ और ये है आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम थर्ड। तो बिल्कुल अच्छी तरह इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अपन लेते हैं पर ऑक्सीजोम, जिनपे की एक शॉर्ट नोट आपके आता है। तो विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, फंगस, पौधों तथा कशेरुकी प्राणियों की यकृत, लिवर एवं वृक्क कोशिकाओं में गोलाकार झिल्ली आबद्ध संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनका व्यास 0.2 से 1.5 माइक्रोन म्यू होता है। तो पर ऑक्सीजोम्स मतलब ये संरचनाएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट के निकट पाई जाती हैं, वह इन्हें माइक्रोबॉडीज सूक्ष्म पिंड भी कहते हैं। इनका केंद्रीय भाग कणिकामय अथवा क्रिस्टलीय होता है तथा इनमें इसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इन्हें पर ऑक्सीजोम्स कहते हैं और पर ऑक्सीजोम्स को सर्वप्रथम टॉलवर्ड एवं उनके सहयोगियों ने क्लोरोप्लास्ट से आइसोलेट किया। तो ये डायग्राम किसका दिखाया है, पर ऑक्सीजोम का। तो ये डायग्राम बनाए दोगे तो इसमें क्या दिख रहा है, स्पष्ट न्यूक्लियस दिख रहा है। ये दिस इज द पर ऑक्सीजोम, क्या दिखाया था, पर ऑक्सीजोम। तो पर ऑक्सीजोम्स जंतु कोशिकाओं तथा सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं जैसे जंतुओं की यकृत, लिवर एवं वृक्क कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तथा एक स्लाइड वही वाली शेयर कर देती हूँ वापस से।